शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। हे भगवान, मने लगे है कि आशु ने सब कुछ सुन लियो है। अपने जाने के होवेगा। क्या हुआ? लागे है आशु ने कुछ ना सुना है। रुक्मी, कहाँ है घर के सारे लोग? मुझे जरा उनसे बात करनी है। इतनी ओछी हरकत करने के बाद तारे अठियाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है बड़े ठाकुर साहब के हाथ थारी मौत लिखी है, इसलिए तू अठिया। चला हरी अठे आने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर रुक्मिणी से अठे बुलाया होगा। जी नहीं, मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। फोन पर इतना कुछ समझाने के बाद भी तुमने फोन पर जो भी कुछ कहा था उसी की वजह से तो मुझे यहाँ आना पड़ा है रसाल, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ठाकुरों में सच सुनने की हिम्मत है या नहीं, और सच क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूं। और के सच बताना बाकी है डॉक्टर साहब? अरे रणवीर ने खुद अपनी आंखों से थारे को रुक्मी को होटल के रूम में। दादी साहब, मैं होटल जरूर गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे रुक्मी से मिलना था, बल्कि इसलिए कि मुझे किसी विक्रम शेखावत का फोन आया था कि उसकी वाइफ बहुत बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए तुरंत होटल इंपीरियर पहुंच जाऊं। अगर आप चाहें तो मेरे सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैंने कहा वही सच है। रसाल से फोन पर बात करने के बाद जिस नंबर से विक्रम शेखावत ने फोन किया था उसका पता लगाया मैंने, और वो नंबर होटल इंपीरियर का ही लैंडलाइन नंबर है। वो फोन उसी होटल के रूम नंबर 306 से किया गया था, यानी रूम नंबर 305 में जहां रणवीर ने मुझे देखा था, ठीक उसी रूम के सामने से। होटल फोन करने पे पता चला कि रूम नंबर 305 भी उसी विक्रम शेखावत ने बुक किया था। अब मैं वहां किस लिए गया था ये साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत है। जब मैं कमरे में पहुंचा तो रुक्मी वहां पहले से ही मौजूद थी। वो रो रही थी, बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ में खंजर था। मैंने रुक्मी से पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो सोचने वाली बात यह है कि ठीक उसी वक्त रणवीर होटल में क्या कर रहा था। मुझे तो दीप भाईसा ने फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया कि होटल इंपीरियल में उन्होंने तुम्हें और रुक्मी को एक साथ देखा है, इसलिए मैं सच जाने चला आया। मैं तो उस होटल इंपीरियल अपने काइन से मिलने गया था, वहां मैंने इन दोनों को देखा, तुम्हारे से छुप रहा न गया, उसलिए मैं थारे को फोन किया। पर अभी भी इस सवाल का जवाब तो ना मिले है कि रुक्मी वहां क्या करने गई थी। बोल रुक्मी, क्यों गई थी तू होटल में? जी, हमारे को आप पर पूरा विश्वास है कि आपके पास होटल जाने की जरूर कोई वजह होगी। जी, हमारी खातिर कुछ तो बोलो, बोलो जी। रुक्मी, मारे भरोसे के खातिर बोल दे। मने कुछ ना कहना है। आपको मारी स्वागत है। आज आप चुप रही तो मरा मुंह देखोगी।
होटल क्यों गई थी? भारी को धमकाया गया था। जब मैं होटल ना गई तो तुम्हारे सगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। किसने धमकाया था तारे को? नाम बताओ उसका रुक्मी। बोलो जीजी, बोलो। जरूर उस विक्रम शेखावत ने इसे डराया होगा, है ना रुक्मी? पापा साहब चिंता ना करो, मैं उस विक्रम शेखावत को ढूंढ निकालूंगा। देखता हूँ कौन है ये जो हमारे हवेली की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अब तो आप सबको दिलासा मिल गया ना कि हमारी चीची निर्दोष है, अपनी जान दे सके है, लेकिन अपनी चुनरी पर दाग ना लगने देवेगी। आशु ने एड़ के हाथ में खंजर देखियो, और ये तो हमारा बचपन का दोस्त है, वो इन्हें इस हाल में कैसे देख सकता था? कैसे इन्हें अकेला छोड़कर वो वहां से चला जाता? निर्दोष होने के बावजूद भी भारी चीची को इतनी भयानक सजा मिली। बस मैं यही सच बताने आया था और मेरा यहां आना सफल हो गया। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से रुक्मी की जिंदगी में और तकलीफ आएगी तो आज के बाद मैं रुक्मी के रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा। चीची को निर्दोष साबित करके हमारे प्रण की लाज रख लिकाना था। अब मैं आपके सामने ही पानी पीकर अपना व्रत तोड़ूंगी। तूने हमारी खातिर प्रण रखा था? हाँ जीजी, मैंने कान्हा दास से कहा था कि जब तक आप पर लगाए गए सारे लांछन दूर ना हो जावे, मैं ना पानी पीऊंगी ना कुछ खाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा। जिसके पास अपनी छोटी बहन का इतना घना प्रेम और विश्वास हो, उसके साथ कुछ बुरा ना हो सके। जीएस ने अठा कर मारा सारा खेल बिगाड़ दियो। वो तो ठीक हुआ कि रुक्मी ने अपनी जबान ना खोली, वरना यश की जगह पापा साहब मारे को मौत के घाट उतार देते। पर उस रुक्मी में अचानक इतनी हिम्मत कट्टे से आ गई, वो भी मारे सामने खड़े होने की, मारा फोन चुराने की। किसी ना किसी तरह मारे को मारा फोन ढूंढ निकालना पड़ेगा। मन ने रुक्मी से सच उगलवाना पड़ेगा।
था। बता हमारा फोन कट है। बता। चीजी। चीजी। क्या हुआ? कहीं ना। तू खाना खा, मैं कर लेती हूँ। कल देव उठी 11 है। आज तक तो पूजा की सारी तैयारियां मैं करती रही, पर अब मारे से न हो पावेगो, तो कल सारी तैयारियां इस घर की बिंदनिया करेगी। थारी साहब बिल्कुल चिंता ना करो, चीजी और मैं सारी तैयारियां कर लेंगे। देखना आपको शिकायत का मौका भी ना मिलेगा। राजौत में भी जीजी और मैं सारी तैयारी। मासा ने सारी बिंदनियों को आदेश दिया है, घर की दासियों को ना। पद्मा जीजी के फोन से अपना फोन लगा रहे हो। मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने आपका फोन तोड़ दिया है, और टूटे हुए टुकड़े बचते ना है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जब अपने आप पर बीतती है तो कैसा लागे है। कुछ ना सोच रहे हो, है ना? मारी दया पर जीने वाली मारे को ताना दे रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? आज तक आपने मारे ऊपर खड़ो जन किए हुए और मैं चुपचाप सहती रही, पर अब मैं चुप ना बैठूंगी। अब मारे को आपसे कोई डरना है। अब चालाकी बनकर मारे को बता हमारा फोन कट है। फोन अब ये टूटे हुए टुकड़े मन ने डराने वास्ते काम ना आवेगे। समय बदलते देर ना लागे है कुंवर साहब। मैंने आपका फोन तोड़ दिया है कुंवर साहब, और टूटे हुए फोन बजेंगे कौनी? ये अनाड़ी रुक्मी ये भी ना जाने कि निकली हुई बैटरी दोबारा डाली जा सके, ये पीछे का टुकड़ा जो टूटा हुआ है ये फिर से जोड़ा जा सके। और रही स्क्रीन की बात, इस पे दो चार खरोचे आने से इसका बजना बंद ना होएगा। बस मेमोरी कार्ड अपनी जगह पे ठीक हो तो। ये क्या कर रहे हो आप कुंवर साहब? अभी यहां से चले जाइए, वरना वरना मैं चिल्लाकर ठाकुर साहब साइड बैक। Thank you.
थारे को मार से डरना होगा। ये देख, इसे कहते हैं मेमोरी कार्ड और इसमें थारी बर्बादी का सबूत बंद है। ये तुम्हारे को मिल गयो, मारा काम तो हो गयो। चालू वैसे तूने सही कहा था, समय बदलते देर ना लगे। बिंदड़ी, बाकी सब तो चले गए हैं, तू और मैं ही रह गए हैं। बस एक मिनट दादी साहब, वो दान का खाना बन रहा है ना, तो मैं भंडारे में देख कर आती हूँ। अरे वो मैं कर लूंगी, तू चिंता ना कर। तू जा, दादी साहब कब से थारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जब तक तू ना पहुँचेगी वहाँ पूजा भी शुरू ना हो पाएगी। लेकिन दादी साहब जी, खाना ठीक से ना पड़ा तो? छोटी ठकराए, खाना मैं भी बनाना जानू। अब ये ले और जा। हाँ, और जब खाना बन जावे तो उसे लेकर तू भी मंदिर आ जाना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। जी दादी साहब। चल रसाल। जी दादी साहब। अब क्या रह गया? मैं आपके वास्ते प्रार्थना करूंगी चीची कि आपके जीवन में भी खुशियां आवे, का दुख आपका अकेलापन सब दूर हो जावे और आपकी आंखों में कभी आंसू ना आवे। अब मैं चलती हूँ। गाड़ी कहीं रुक दी? मनने लगे गाड़ी खराब हो गई है, मैं देखूं। जरा हमारी मदद कर लो, छतरी पकड़ लो। अच्छा, मैं गाड़ी शुरू करके देखता हूँ।